उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर में छोटा काशी कहे जाने वाला दुधेश्वर नाथ मंदिर पर श्री त्रिलोकी शक्ति अनुष्ठान पूजन समिति ने भेदभाव छोड़ सभी धर्म को एक साथ जुटकर सहयोग करते हुए विश्व कल्याण के लिए अनेकों वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब हमारा प्रदेश प्रगति के मार्ग पर होगा तो हम और हमारा समाज आगे की दिशा में बढ़ते रहेंगे और जात धर्म को छोड़कर भेदभाव मिटाते हुए हम अपने इस समिति के द्वारा ये सब समाप्त करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि देश और प्रदेश के उत्थान के लिए आपका विकास कार्य योजना जनता तक पहुंचे और सभी समाज के लोगों के प्रगति के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा ना आए। आइए सुनते हैं इस यज्ञ के बारे में पंडित मनीलाल ने क्या कुछ कहा है। देश क्या है? हमारे यज्ञ का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, हिंदुस्तान की समृद्धि और देश में सुख शांति समृद्धि बना रहे और हमारा देश अनवरत विकास करे। इस समिति से, इस मंदिर से जो भी लोग जुड़े हैं उनका बाबा कल्याण करें और वो निर्विवाद अपने पद पर आगे बढ़ते रहें, यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है और बाबा से प्रार्थना है। कितने दिनों से आपका यज्ञ चल रहा है और कितने दिनों तक चलेगा? वैसे तो मान लीजिए यज्ञ हमारा अनवरत बहुत वर्षों से होता है, लेकिन 2006 में श्री त्रिलोक शक्ति अनुष्ठान पूजन समिति का गठन करके इसके माध्यम से कार्यक्रम विश्व कल्याण होता रहा है और प्रत्येक वर्ष माघ बसंत पंचमी को कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होता है, क्योंकि माघ बसंत पंचमी जो है गुप्त नवरात्र में पड़ता है तो गुप्त नवरात्र में ही यहाँ पर विशेष अनुष्ठान करने का महत्व है जो सप्त दिवसीय होता है। माघ बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के 7 दिन के अंतराल में हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होता है। आगे आपकी क्या सोच है कि इसको किस तरह आप विकास करेंगे? चूंकि इस समय जो सरकार बनी है हिंदुत्व की सरकार है, पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है, आगे की क्या सोच है और किस तरह रणनीति आप तैयार करेंगे? हमारा बाबा से प्रार्थना है कि हमारे जो प्रदेश के या देश के जो मुखिया हैं, परमात्मा कृपा से वो हिंदुस्तान को एक अच्छे मार्ग में ले जा रहे हैं, जिससे हमारा मानना है सिर्फ हिंदुत्व का ही नहीं, हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं, जिस भी धर्म या मत को मानते हैं, सबका कल्याण है। इस प्रकार से हमारे जो मुखिया हैं हमारे प्रदेश को और राष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं। ईश्वर करे बाबा दुधेश्वरनाथ जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, अमृत वो निर्विघ्नता से अपने उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मानिक लाल पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं रुद्रपुर पूर्वी वाली टोला का निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश के देवरिया से लाल बाबू गौतम की रिपोर्ट।